कि लंका में सुसैन पैदा रहता है, उसे लेने के लिए किसी को भेजिए। तब हनुमान जी छोटा रूप धरकर लंका में गए और सुसैन को घर समेत तुरंत ही ले आए। सुसैन ने आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाया। उसने पर्वत और औसत का नाम बतला कर कहा, हे हनुमान जी, उसे लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपना बल बखान कर हनुमान जी चले। उधर एक दूत ने सब भेद बतलाया, तब रावण कालनेम के घर आया। अपने पुने काल नेम सिर सुना, देखत तुम्हें नगर जही जारा, अतास पंथ को रोकन भारा। रावण ने सारा भेद कहा, उसने सुना और बारंबार अपना सिर धुना। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला दिया, उसके मार्ग को रोकने वाला कौन है? भजे रघुपते कर हेते अपना, और छाणो नाथ मिसा जलपना, और नील कंजतन सुंदर श्यामा, और हृदय राख लोचन भी रामा। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित साधन करो और वृथा बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तय मोर मूर्णता त्यागू, और महामोहन से सुतत जागू, और काल ब्याल कर भक्षत जोई, और सपनों समर जीत ये सोई। मैं तू और अपना पराया के भाव की मूर्ता को त्याग दो, महामोह रूपी रात में सोते हुए जाग उठो, जो काल रूपी सर्प का भी रक्षक है, क्या स्वप्न में भी आप युद्ध में उसे जीत सकते हैं? अनिल समझा रहे हैं काल। सुन दस कंठ रिसान ते, ते ही मन कीन विचार, और राम दूत कर मरो बर, यह खल रत मल भार सियावर रामचंद्र की जय। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेम ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है, ये दुष्ट तो पाप समूह में रत बहुत पापी है। रावण के लेकर हसे कहे चला रचे से मग माया, और सर मंदिर बरबाग बनाया, और मारुत सुत देखा सुख आश्रम, और मुनि बोझ जल पियो जाय श्रम। ऐसा अपने मन में कहकर कालनेम चला, मार्ग में सरोवर मंदिर और सुंदर बाग बना।